ये ऊपर ट्रेन गुजर रही है और ये पुल बनाया हुआ है, और उसके नीचे ये तकरीबन इतना काट का बंदा गुजरता। मैं अब ऊंचे का तो ऐसे गुजरना पड़ रहा है। इसमें ये बेड लगा हुआ है सामने, और इस बेड के ऊपर जो है वो बादशाह और जो मालकन थी वो बैठ के सोते थे। टुडे वी आर गोइंग टू द ब्यूटीफुल सिटी कॉल्ड पुलन पुलन और आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट नेम। सो वी आर गोइंग विथ ट्रेन, नो यूरो, बस टिकट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर अस। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। लास्ट जो है पुल पहुंच चुके हैं, और अभी देखते हैं कि यहाँ पे आगे नज़ारा आपको भी खूबसूरत आगे बताता हूँ। तो ये ट्रेन है और ये समुंदर का व्यू है। अच्छा, जो भी लोग आएंगे नो यूरो टिकट पे, जो भी लोग आएंगे नो यूरो टिकट पे, ये सारा ये है ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे उतरेंगे और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की वॉक होगी जो कि आपको क्लोन कासल पे लेके जाएगी। आप मैप पे डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की वॉक है। सो प्लान अकॉर्डिंगली और पुलन कासल पे जाके फिर पोलन कासल की हिस्ट्री आपको बताता हूँ उन उस कासल के व्यू के साथ। Enjoying the journey. कैसा लग रहा है? हंस रहे हो? हंस रहे हो? So मैं कासल के अंदर पहुंच चुका हूँ। जब भी पोलन आए याड भी आज ताज में है क्योंकि ना ही टेस्टी हैं। और अभी आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं
ये है रेस्टोरेंट और इस साइड पे ये है पूरे का पूरा कासर और सामने का व्यू दिलकश है। ये है सामने का व्यू। बिल्कुल पीछे आप बड़ा सा कासा देख पा रहे हैं, तो हम थोड़े से जल्दी आ गए हैं और ये कासल तकरीबन जो है वो 6 बजे यहाँ के मुताबिक और घंटा पहले मतलब हम लोग आ गए। तो अभी ये कासल बाहर से आपको दिखाया और अभी जो मेन मज़ा आना है वो अंदर से दिखाना है और फिर अंदर से अंदर जा के मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा कि ये कासल कितने 100 साल पुराना है और कब बना था, क्यों बना था और इसकी क्या हिस्ट्री है। तो राइट नाउ हम जा रहे हैं, ये सारा एरिया हम नीचे जाते हैं नीचे क्योंकि समुंदर के नज़दीक वो है जगह, तो समुंदर के आगे नज़दीक बैठ के क्या व्यू आते हैं वो भी ज़रा आपको इंजॉय करवाते हैं। सो ये ऊपर ट्रेन गुजर रही है और ये पुल बनाया हुआ है और उसके नीचे ये तकरीबन इतना काट का बंदा गुजर रहा। मैं अब ऊंचे का तो ऐसे गुजरना पड़ रहा है और ये आखिरकार समुंदर वाले एरिए पे पहुंच ही गए। तो अभी एक खूबसूरत सा व्यू है, पेंच लगा हुआ है। करने के बाद हम वापस इसके लिए आए थे कासलदर जाते हुए और ये 1.50 हाइट बहुत ज़्यादा नीचे। सो आपको ये जो सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ये पहले एक जेल थी, इसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1847 से बनी थी और मतलब ये 1839 में एक प्रिजन सेल था, फिर ये 1842 में रेजिडेंशियल हाउस किसी पुलिस वाले ने ले लिया था और कोई प्राइवेट पार्टी ऑन करती है इस सामने आ रहा है इस हाउस को।
ये जो वाइट कासल है जो आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं, ये तकरीबन 330 साल पुराना है। और सबसे पहले ये जो कासल था, जो मालिक था, जो बादशाह था, इसके अंदर उन्होंने सही राज किया खूबसूरत। जैसा कि अभी आप अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या राज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और जो बादशाह है वो भी अंदर ही दफन है, उसकी आल औलाद भी अंदर दफन है, उनकी कब्रें, मतलब जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो ताबूत है वो भी अंदर, वो भी दिखाएंगे आपको। और सबसे पहली बात, ये जो था तकरीबन इस तरह चलता चलता स्टेट, डिफरेंट स्टेट ऑन करते थे, जर्मनी के पास होता था ये बेसिकली। इनका जो सूबा है, अब सूबे का नाम बड़ा डिफरेंट का जर्मन में है, पोलैंड के अंदर है बेसिकली। और 2002 के अंदर ये फील्डमान एक ऑनर है, फील्डमान एक कंपनी भी है बहुत मशहूर, जो कि ग्लासेस का काम करती हैं, आपकी जो आँखों के जो जो ग्लासेस है वो बनाती है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली अभी भी हाउस बिल्डिंग या एजुकेशन दी जाती है ग्लासेस बनाने के हवाले से। तो क्योंकि 2002 तक ये जर्मनी के पास था और डेनमार्क के पास भी रहा, फिर जर्मनी के पास आया, और फिर क्योंकि ये फिर स्टेट ने इस पर पैसे रेनोवेशन पर नहीं लगाया, तो फिर उस ऑनर जो फील मान है उसने इसको रेनोवेट किया और इस पर इन्वेस्ट किया। तो राइट नाउ वो इसको ऑन करता है, तो बाकी डिटेल अंदर जाके। तो वी आर गोइंग टू एंटर। Zeit, als das Herzogtum überhaupt erst entstanden ist. Das Herzogtum Schleswig-Holstein, Sonderburg und Plön ist entstanden durch eine Erbteilung der dänischen Krone. Hier haben wir meine Samne Tasvir dekh rahe hain, takriban 350 saal purani tasveer. Jo niche table hai na bhai, ye सबसे महंगा है अभी तक, पता नहीं कितने मिलियन का कह रहे हैं। सो ये पुराने दौर की जो है ना चिमनी है, जिसके अंदर जो है आप नीचे से धोड़ी देते थे। सो सीढ़ियाँ चलते हुए अभी ऊपर आए, और लॉन था, अभी सीढ़ियाँ चढ़ के इसके दूसरे फ्लोर पे हम जा रहे हैं। इमेजिन करें कि आप इस किले में रहते हो, खिड़की खोलें और ये व्यू, ये सामने आप जगह देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा एक किस्म का ग्राउंड है। तो यहाँ पे ये जो सामने आप बालकनी नज़र आ रही है, और एक सामने बालकनी है, यहाँ पे लोग खड़े होके मैच खेलते थे, मतलब यहाँ से तमाशाई बैठे होते थे, और ये पूरी जगह फुटबॉल खेलते थे, डांस वगैरह करते थे, या जो भी उस वक्त में होता था। तो यहाँ पे ऊपर बैठ के वो एंजॉय करते थे इन दोनों बालकनीज पे, और यहाँ पे इस पूरे एरिया को वो एज अ यूज़ करते थे, मतलब फुटबॉल के लिए कुछ भी आप करते थे, तो एक खुला हाल होता था। तो वो जो सामने जगह और एक ये जगह, इधर लोग खड़े इसको एंजॉय करते थे। ये जो है ना तस्वीर 350 साल पुरानी है, ये बाप है, ओ बाप कह रहा हूँ, ये बेटा है, और ये इसका अब्बा जान है, ठीक है। ये इनके अब्बा जान जिनकी ये मलकियत है, ये 343 साल पुरानी तस्वीर है। उस वक्त का ओवन है जिसमें उस वक्त में जो शहजादा साहब थे वो पिज़्ज़ा बनाते थे, और बाकी रूम जैक कर लो यार,
वाह क्या डिज़ाइन बना हुआ है खूबसूरत। और ये जो आपको सामने शीशा नज़र आ रहा है ये भी 300 साल पुराना है और उस वक्त के ओरिजिनल कलर के अंदर फॉर्म जो है वो पाया जाता है। ठीक है, आप सामने जगह देख रहे हैं इसमें ये बेड लगा हुआ है सामने, और इस बेड के ऊपर जो है वो बादशाह और जो मालकन थी वो बैठ के सोते थे, क्योंकि उस वक्त में जाता है कि अगर आप लेट के सोएंगे तो आपको वो जो है ना आपकी रूह निकलने वाली निकाल के ले जाएंगे, तो इसीलिए बैठ जाता है। और इस बात दो शादियाँ हुई हुई थी और उसमें से 18 बच्चे थे। जहाँ बंदा खड़ा है वहाँ पे आगे इसके आगे जाना मन है, क्योंकि अंदर कब्रें हैं, मतलब कब्रें नहीं कह सकते, ताबूत पड़े हैं और जिसके अंदर लोग दफन हैं, और वहाँ पे वीडियोग्राफी करना सख्ती से मन है, तो वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। अभी राइट नाउ मैं जहाँ बैठा हूँ ये चर्च है, जहाँ पे सामने बंदा सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कि इनको क्या ऐसा किताब था, तो ये सीन है। सामने नज़र आ रहा है ये छोटा सा हीटर है, ठीक है, और इसको करने के लिए कमरा गर्म करने के लिए इसको रखा जाता है। मैं चढ़ूँ, ये सामने स्टेयर्स, इन स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं, आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। और अंदर से सारा मैंने आपको टूर करा दिया ये वाइट कासल, और फिर आगे भी सफ़र जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आई होप यू लाइक इट, सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।